भैया, थैंक यू सर। दोनों जन कर लो सर, सेंटर वीडियो सर। थैंक यू, थैंक यू, अभी आते हैं। हाँ ओके, इधर बस 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 बस, वेट 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 सर, वेट 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 सर, एक फीचर होते फिर आप बीच में रख देना। अंकित भाई सेंटर, Hi, good evening everyone, and well, I'm really happy and proud of very happy for my dear friends Amit Bros and the entire team, and really proud of how they have just, you know, achieved this dream so beautifully and so passionately. Songs are lovely, and I think it's a great platform for all, I mean, established singers and upcoming singers. I too am looking forward to doing a wonderful song with them, and I think today I'm so excited about Thare Rahiyo, because I love that genre of music, and I'm dying to see what they've done with that. But of course, every song, especially Main Jaan Diyan, Love Me, these are my favorites. You know, actually they're on my playlist all the time. So here's to MB Music, three cheers to MB Music, and to many more and many more lovely singles, and cheers to music. Independent music is back. I think it's official now that it is back. I think singers don't really need to rely. I don't want to say that Bollywood is a lovely space to be in, but I think singers now can hold their own just with independent music as well. नवरात्रि की शुभकामनाएं। हाँ, रोलिंग सेंटर में, रोलिंग सेंटर, रोल राधे सेंटर के इधर, सेंटर। हाय, मैं हूँ शिबानी कश्यप, और आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नौ दिन की बात करें, कैसे निकलते हैं परफॉर्म करने वाले नौ दिन? जी, मेरे ये नौ दिन मैं बहुत ही, आई वुड से, ब्लेस्ड हूँ कि आई विल बी परफॉर्मिंग, और 13th अक्टूबर से लेके 18th अक्टूबर तक मेरे लगातार शोज हैं दिल्ली में। तो दिल्ली में होगा नवरात्रि का खूब जलवा, गरबे का जलवा, और कल ही मैंने गाना नवरात्रि के को डेडिकेट करके रिकॉर्ड किया है इनबॉक्स म्यूज़िक के साथ, इनबॉक्स म्यूज़िक चैनल के साथ, और आज उसकी शूट है। इसके बाद मैं उस शूट पे जा रही हूँ, और आपको परसों ही वो गाना यूट्यूब पे नज़र आएगा विद मी सिंगिंग अ स्पेशल डेडिकेशन टू माता अम्बे। जी हाँ, तो सबसे इसके हम अपने शोज हमेशा इस गाने से स्टार्ट करते हैं। हे नाम रे, सबसे बड़ा तेरा नाम, हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। साथ ही इसी विश से, इसी प्रेयर से हमको अपने सारे कामों की शुरुआत करनी चाहिए, और आज इतने एमबी म्यूज़िक को भी मैं, आई थिंक आई वुड लाइक टू डेडिकेट दिस सॉन्ग टू देम, दैट इतना बड़ा काम कर रहे हैं, एंड मे माता ऑलवेज ब्लेस देम। जय माता दी। थैंक यू। अच्छा, फर्स्ट थिंग, माय नेम इज़ पीयूष मेहरुलिया, और मैं मीत ब्रोस का असिस्टेंट हूँ। मुझे 3 साल हो गए मीत ब्रोस के साथ काम करते हुए, और मतलब कभी वो माहौल रहा ही नहीं कि ऐसे, मतलब मैं उनका एम्प्लॉय हूँ वैसा कभी ट्रीट नहीं किया, बहुत अच्छा ट्रीट किया, हमेशा छोटे भाई की तरह। और फिर गाना रिलीज़ हुआ हमारा मैं जान दिया, उसमें भी मेरा कुछ पार्ट है। फिर उसके बाद है शाय मोरा सैया, जो मोनाली ठाकुर के साथ में मैंने गाया हुआ है, उसमें भी मेरा कुछ पार्ट है छोटा सा। बस यही हैं दो गाने, और भी आने वाले हैं काफ़ी सारे, तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। थैंक यू सो मच। वेल, गुड इवनिंग टू यू ऑल, एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग यहाँ पर आए।
बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि इस गाने को निकालें, कौन सा सही समय होगा निकालने के लिए. एंड पहली बार मैं एक राजस्थानी फील का गाना कर रही हूँ. आई थिंक ठाणे रही हूँ एक बहुत ही फोक और बहुत ही इंटरेस्टिंग गाना है, थोड़ा राजस्थान से इन्फ्लुएंस करी है, वहीं शूट किया है. एंड आई थिंक बन्ना और बन्नी के डांस के लिए बहुत बढ़िया है, शादी के सीज़न के लिए बहुत बढ़िया है. सो मस्त गाना है एंड आई एम श्योर आप सबको बहुत पसंद आएगा. मीत ब्रोज ने इतना इंटरेस्टिंग म्यूज़िक दिया, एक ट्विस्ट दिया है. सो पंजाबी से हट के हम लोग ने मिलकर एक डिफरेंट प्रोडक्ट बनाया एंड आई एम श्योर दैट आपको पसंद आएगा ये गाना. Well, I think working with them, my experience is always amazing and yet another interesting project. So, वहाँ actually I have to tell you, हम लोग ने जब शूट किया था तो जयपुर के बाहर एक दिन शूट थी एंड वहाँ इतनी गर्मी थी, मेरे ख्याल से 45-50 डिग्रीज तो होगा, तो हर पाँच मिनट में क्या कहते हैं हमारे सारा मेकअप और जो भी हम कर रहे थे सब ख़राब हो जाता था. तो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड यू नो हैट्स ऑफ टू ऑल द एक्टर्स जो इतनी गर्मी में इस तरीके की शूट्स आई मीन लगातार करते रहते हैं. एंड एंड या सो बहुत इंटरेस्टिंग था, मज़ा आया. सिटी पैलेस में हमने शूट किया, उसमें भी बहुत मज़ा आया. हाँ आपने सुना है अभी तक या नहीं? सुना है. ओ ठाड़े रहियो, ओ ठाड़े रहियो, ओ ठाड़े रहियो, ओ ठाड़े रहियो. अब मैं आगे इससे ज़्यादा बता नहीं सकती क्योंकि आई वॉन्ट एवरी वन टू कम एंड लिसन टू द सॉन्ग. Well, I'd like to say, मेरे दो व्यूज़ हैं. एक व्यू ये है कि एक बहुत अच्छी बात है कि लड़कियाँ उठ के आ रही हैं, इतना करेज बना के उठ के आ रही हैं, बिकॉज इट आई मीन आई एम अ गर्ल एंड मैं यहाँ पर अकेली हूँ इस शहर में एंड बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, इतना ईजी नहीं है किसी लड़की के लिए उठ के ये बोलना कि मेरे साथ ये हुआ या मेरे साथ ये हुआ, बिकॉज एक आई थिंक आई एम श्योर एक इनसिक्योरिटी होती है कि क्या होगा अगर हम ऐसे अपने बारे में अपनी कुछ इस तरीके की बात बताएंगे. शर्म होती है हमारे देश में, अभी आज भी ये लड़कियों को सिखाया गया है. और मेरा एक दूसरा व्यू है, तो मैं आई एम वेरी सपोर्टिव टूवर्ड्स इट एंड आई एम ग्लैड, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग खुल के आएंगे उतनी अवेयरनेस ज़्यादा होगी, उतनी कम ये चीज़ें होंगी. मेरा ये एक दूसरा सोचना है कि आई डोंट नो कि ये एक हायर लेवल पे तो ये हो रहा है, बट एक लोअर लेवल पे जो हमारे देश के मैसेज हैं उसमें ये अगर वहाँ तक ये जा पाए किसी तरीके से तो हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट हो मेरे हिसाब से. आई थिंक हम हमारे इस लेवल पे बड़ी एक्ट्रेसेस और जो अचीव कर चुकी हैं उनके लिए इतना फिर भी इट्स easy to say things, but उनका क्या जो एक real achievement तब होगा जब हमारे rural masses India, massy India में ये बात उठ के आएगी and कुछ उसके लिए काम हो पाएगा, कोई help हो पाएगी हम लोग सब की तरफ से. हाय, मैं हूँ कनिका कपूर और आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं. नौ दिन कैसे निकलने वाले हैं, कहीं परफॉर्म करने वाले हैं? जी हाँ, मैं परफॉर्म कर रही हूँ एंड बीच के तीन दिन हम पूजा के लिए जाते हैं देवी जी के मंदिर में, जो मैं बहुत सालों से जाती आ रही हूँ. वहाँ थोड़ा पूजा पाठ, थोड़ी सेवा और हवन होता है एंड मुझे लगता है वैसे अच्छा दिन तो रोज़ होता है, पूजा रोज़ करनी चाहिए, भगवान को थैंक यू रोज़ करना चाहिए. सो हर दिन शुभ दिन है एंड एक ये डिटॉक्स मान के चलते हैं हमारे हिंदू कल्चर में इतना इम्पोर्टेंट है, तो व्हाई नॉट. हमारी दादी परदादी करती आई हैं तो हम भी कर रहे हैं. सिंगर के नाते कोई प्लान बनाएंगे, कोई माता के ऊपर कोई प्लान, कोई भी
हो बेबी डॉल तू सोने दी, हो बेबी डॉल तू सोने दी. अगर आपको इस चीज़ का असली मतलब मालूम हो तो यू नो दैट शी इज़ द बेस्ट. थैंक यू. देखिए मैं बहुत दिनों से मीत ब्रदर्स को कह रही थी कि इतने अच्छा इतने गाने बना रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे नए नए आर्टिस्ट को लॉन्च भी कर रहे हैं, तो क्यों ना अपना एक खुद का एक चैनल शुरू करें. एंड आई नो शुरुआत में थोड़ा 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 डिफ़िकल्ट होता है हमारी इंडस्ट्री में, बट आई एम वेरी प्राउड कि उन्होंने इतना इतनी जल्दी इतना इतने बढ़िया आर्टिस्ट को, जितने भी टॉप आर्टिस्ट हैं सबके साथ काम कर रहे हैं, सबका सबके हिट गाने निकल के आ रहे हैं. सो वेरी प्राउड ऑफ देम एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट. थैंक यू. दिस इज़ अ न्यू चैनल एम बी म्यूज़िक, लाइक दे हैव लॉन्च्ड रिसेंटली. सो जो चैनल है वो बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है बिकॉज ऑफ द गुड कंटेंट दे आर गिविंग आउट. एंड आज रात का तो यही है कि वी आर हेयर कि हम सब लोग आपसे मिलेंगे एंड आप सबसे बातें करेंगे एंड अपना हैव अ ब्लास्ट पार्टी. जिस दिन रिलीज होगा उस दिन बन जाएगा. एक्चुअली उसी टाइम बन जाता है. आई लाइक चिटिया कलैया. या इट्स माय फेवरेट सॉन्ग सो आई लाइक दैट. थैंक यू. थैंक यू. हेलो हाँ जी. यार बहुत अमेजिंग सॉन्ग है. मैं वीडियो देख चुका हूँ ऑलरेडी. सो आई एम द प्रिविलेज्ड वन जिन्होंने पहले देख लिया था, गाना सुन भी लिया था एंड वेरी हैप्पी फॉर दैट. और इन्होंने जो अपना चैनल स्टार्ट किया है एमबी म्यूज़िक, आई थिंक लुकिंग फॉरवर्ड दैट बिकॉज अब उस पर और कमाल के गाने भी आने वाले हैं. सो इनफैक्ट मैं अपने सारे दोस्तों को, सारे फैंस को, सारे चाहने वाले को बोल रहा हूँ कि इनका जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करो. यार मैं तो हर वक्त ही, हम तो यार बिल्कुल ब्रदर्स ही हैं, तो आई थिंक बहुत से गाने इकट्ठे ही हम लोग बैठ के गाते हैं, गुनगुनाते हैं, रहते भी आसपास हैं, बहुत मिलते हैं. सो आई थिंक कोई भी गाना इनका ऐसा नहीं है जो हिट ना हो, जो सुनने में मज़ा ना आता हो. यार मुझे यार ये दुनिया पित्तल दी, वो आई थिंक दैट हैज़ टू बी बिकॉज वो गाना ऐसा एपिक गाना आया था जो आई थिंक सबको बहुत पसंद है. यार नो कॉमेंट्स ब्रदर, ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है और इस पर मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई थिंक जिनका मैटर है वो अपने आप सुलझा रहे हैं. मैं बहुत कुछ सोचता हूँ लेकिन मैं अपनी सोच अपने तक रखता हूँ. डेमोक्रेसी है. बाजी रुको ना, एक बाइट तो देखे जाना. अरे दो मिनट विलेट कनिका से. मैं बहुत भूल गई हूँ अभी. अच्छा भूल गई हैं मतलब बहुत ज़्यादा भूल गई.
इसने ये हमारा एक्चुअली क्या है, सबने हम तीनों को पंजाबी रूप में ही देखा था हमेशा, पंजाबी गाने और एक बहुत राजस्थानी जो एक फोक जो है वो एक बहुत कमाल का फोक है, हमने हम सोचाते थे उस टाइप का गाना करें। और एक बार एक्चुअली बचपन में काफ़ी टाइम पहले एक कनिका की आवाज़ में गाना सुन लिया था, ये वो मारे हेवड़े में गाती थी, तो वो इतना अच्छा लगता था कि तब से हम इसके पीछे पड़े थे कि पंजाबी तो ठीक है, एक एक राजस्थानी करना है, तो वो माइंड में रख के फिर हमने ये गाना बनाया, तो ये थाड़े रही हो, तो वी वेरी हैप्पी कि आज वो रिलीज़ हो रहा है। हम लोग क्या तीन लोग हैं तो तिरंगा लहराना चाहते थे, और इसलिए राजस्थान के जो कलर्स हैं वो हमने इस वीडियो में लेके आए हैं। अपने लिरिक्स के अंदर, अपने कॉम्पोजिशन के अंदर, अपने वीडियो के अंदर अगर आप देखेंगे तो वीडियो पूरा हम लोगों ने ट्रक के ऊपर शूट करा है, पहली बार ऐसा मूविंग ट्रक के ऊपर एक वीडियो शूट हुआ है जिसमें इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई लव द वीडियो, जिसमें एक इंटरनेशनल, हम ऐसा लग रहा है कि एक फॉरेनर रस्टिक वे में राजस्थानी कल्चर के अंदर ढल के जो लेके आए, उसमें कुछ नई चीज़ें हैं, ये सब नई चीज़ें हैं जो राजस्थान में पहली बार राजस्थानी ऐसा गाना आया है जो कि उसके अंदर जो बेस लाइन बज रही है, जो म्यूज़िक है वो बहुत इंटरनेशनल है बट पूरा कॉम्पोजिशन फोक है, तो कुछ नई चीज़ें करने की कोशिश है ताकि आप लोग ये ना कहें कि यार क्या वही तुम लोग ले आए पंजाबी। एक्चुअली इसमें भी बहुत, इसमें एक्चुअली बहुत बड़ा श्रेय हमारी बहन को जाता है, ये हमारे पीछे पड़ी थी कि आप इतना म्यूजिक बनाते हैं, ये फिल्मों में आने में तो बहुत टाइम लगेगा, सो व्हेन विल दिस ऑल कम आउट, तो हमने कहा ठीक है दैट्स एक्चुअली अ गुड थिंग। तो फिर हमने अपना इतना हमारा म्यूजिक है जो हम रोज़ बैठते हैं गाना बन जाता है, अब फिल्मों में इतने गाने तो जा नहीं सकते, सो वी वॉन्टेड टू डू आर ओन थिंग, सो इसलिए हमने एमबी म्यूजिक लॉन्च किया। हम लोगों की गाने बनाने की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट है और इतने गाने इकट्ठे हो रहे थे और फिल्मों में क्या स्लो स्लो लगते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, पिक्चर बनती है एक डेढ़ साल में, तो हमने कहा भाई अपनी फैक्ट्री खुद लगाओ और गाने बाहर निकालो, बिकॉज कुछ गाने ऐसे होते हैं जो आपके दिल के करीब होते हैं और आप अपने मन से बनाना चाहते हो लेकिन वो आप पिक्चर में नहीं लगते हो गाने। और मैंने भी सोचा कि मुझे भी कुछ ज़्यादा गाने मिलने शुरू हो जाएंगे और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो कोलैबोरेट कर रहे हैं, जैसे इसके बाद सोनू निगम जी हैं और अभी हमने मोनाली के साथ कोलैबोरेट किया है, तो दिस कंपनी इज़ बाय द आर्टिस्ट, वन ऑफ द फर्स्ट कंपनी जो कि सिंगर्स ने ही बनाई है, एंड इज़ फॉर द आर्टिस्ट, बाय द आर्टिस्ट फॉर द आर्टिस्ट। हमने ऑलरेडी एक गाना किया था लव मी जिसमें पुनीश बंदगी को लिया था हमने, वो शकीला फिल्म में लग गया है, रिचा चड्ढा के ऊपर शूट हो रहा है फिल्म, उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने हमारे चैनल से देख के वो गाना ले लिया, तो इवेंचुअली हम बनाते हैं, हमारे गाने थोड़े फिल्मी तो होते ही हैं तो फिल्मों में जल्दी पहुँच जाएंगे। जैसे हमारे पहले दो गाने आए हैं हाई हील और मैं तेरा बॉयफ्रेंड जो कि ब्लॉकबस्टर हुए हैं, ये दोनों गाने पहले आए हुए थे और आजकल पब्लिक को मज़ा आ रहा है कि उसमें से छोटा सा एक पार्ट लेके पूरा नया गाना बना लो, तो वो कल्चर चल ही रहा है, तो हमारे गाने जो बन रहे हैं वो प्रोड्यूसर्स के लिए एक रेडी, बिल्कुल रेडी सर्व्ड खाना है। पहले होता था कि उनको पता नहीं होता था गाना कैसा बनेगा तो रिस्क लेते थे, वो कहते थे बहुत रिस्क है और बहुत कन्फ्यूज हो जाते थे, अब उनको मालूम है कि गाना हिट है, इसका एक पार्ट उठा के पूरा नया गाना बना सकते हैं, तो बिजनेस वाइज बहुत अच्छा वर्क कर रहा है इंडस्ट्री के लिए ये कॉन्सेप्ट। हमारा हर टारगेट ये है कि हर महीने हम एक गाना करेंगे और इसके बाद सोनू निगम जी का सिंगल आएगा, उसके बाद पापोन का आएगा, फिर मिस पूजा है, फिर खुशबू ग्रेवाल है, तो चार सिंगल, फिर हमारा खुद का एक ट्रेंडसेटर सॉन्ग है। एक एक चीज़ कॉमन रहेगी, कनिका के साथ हमारे गाने रेगुलर आते रहेंगे क्योंकि हमारी शुरुआत इनके साथ हुई है और इनकी शुरुआत हमारे साथ हुई। थैंक यू। खड़े रहिए, गा के सुनाते हैं फिर उसके बस हैप्पी नवरात्रि। हाँ हैप्पी नवरात्रि। ओ बन्नी चीख के बोली यार घर से जो निकले खबरदार, ठाड़े रहियो सूबेदार, चावे गिर जाए सरकार, ठाड़े रहियो। नवरात्रि आ रही है, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी नवरात्रि फ्रॉम मीट ब्रोस एंड कनिका कपूर। कीप प्लेइंग डांडिया ऑन ठाड़े रहियो एंड शाय मोरा सैया फ्रॉम एमबी म्यूजिक। Thank you. सर थोड़ा लेफ्ट में आइए, सर थोड़ा लेफ्ट में आइए, थोड़ा लेफ्ट में आइए।
सर आइए सर 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 या रोल जी मी ब्रदर्स मेरे बहुत ही एक्चुअली मैं इनको बहुत क्लोजली जानता हूँ और बहुत पहले से जानता हूँ. मेरे हिसाब से इतना अच्छा इंसान हो के इतना नफ्स पे हाथ किसी का हो बहुत मैंने कम देखा है. नॉर्मली लोग बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं लेकिन ये मीत ब्रदर्स जो हैं इतने सीधे लोग हैं और इतने अच्छे लोग हैं, इतने मिलनसार लोग हैं. उसके बावजूद इनका काम पे जो मैं इस बावजूद बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि लोग नॉर्मली बड़े श्रूड होते हैं उसके बाद में मैनिपुलेटिव उसका नब्ज पे पल्स पे हाथ होता है. ये बड़े सीधे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ही पॉजिटिव लोग हैं और इनका जो पल्स पे जो उनकी हाथ है उंगली है वो बहुत कमाल की है. एंड आई रियली रिस्पेक्ट देम फॉर वेयर दे हैव ब्रॉट देमसेल्व्स. पहले एक्टर्स थे और अब ये एक मतलब फुल फ्लेज्ड जैसे कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है म्यूज़िक की. एंड आई एम वेरी हैप्पी. आज कुछ और भी अनाउंस करने वाले ये लोग, वो खुद ही अनाउंस करेंगे. अच्छा इधर ही हो. मैंने बहुत काम किया इनके साथ में, मैंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारा पहले से ही अच्छी दोस्ती रही है. और फ्रॉम तेरी शर्ट द मैं तो बटन से लेकर काफ़ी इनके साथ काम कर रखा है. और अभी जो गाना हमने जो हमने कुछ किया है वो ये अभी बताएंगे आप लोगों के बाद में. आइए आइए. सो कृष्ण अब हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारा नया चैनल है और हमने उसमें हम पूरी जान से कर रहे हैं. और जब कोई एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जब सोनू निगम जैसा नाम जुड़ जाता है तो ऑब्वियसली आपको हिम्मत आती है कि एक नई चीज़ जो आप करने जा रहे हो उसमें जो आपके आपकी लाइन के आपकी इंडस्ट्री के जो दिग्गज हैं अगर वो लोग साथ में आप पे भरोसा कर रहे हैं तो आपको अपने आप पे भरोसा और हो जाता है कि चलो हम कुछ अच्छा शायद करने जा रहे हैं. तो और इन्होंने हमेशा पहले दिन से जब हमारा सबसे पहला जो बड़ी फिल्म का पहला गाना था शर्ट द बटन तब भी हम सोनू भाई के पास गए थे तब भी इन्होंने गाया था और तब भी मैं हमेशा बोलता हूँ फ्री में गाया था. हम लोग न्यू कमर नहीं बात है न्यू कमर्स थे तो कितने सिंगर्स ने तो हमें गाना सुन के मना कर दिया था, बोले ये तो मजाक है. इन्होंने गाया और इतनी शिद्दत से गाया कि वो आज तक गाना हमारा फेवरेट है. वो वन ऑफ द बेस्ट लव सॉन्ग्स दैट वी हैव डन. एंड माय पर्सनल हार्टफेल्ट फीलिंग अबाउट सोनू जी इज कि आजकल लेटली इन्होंने कुछ ऐसा लाइफ में डिसाइड करा कि बहुत चूजी काम करते हैं. ही इज वेरी सिलेक्टिव which he आपको पता ही है. आपको सब अभी पता ही है कि अभी ही इज बिकम वेरी चूजी एंड आफ्टर दैट इफ ही इज डूइंग अ सॉन्ग हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है. एंड और ऑब्वियसली ये इनकी इतनी आजकल की जो मॉडर्न ख्यालात हैं कि कुछ नया करते हैं दैट्स वॉट इज ऑल्सो ड्राइविंग अस कि हमारे पीछे पड़े कि कुछ नया क्रिएट करते हैं. लेट्स ब्रिंग समथिंग फॉर द यूथ. So which is great about this our and I trust you that you have the correct knowledge and you have the grab on the pulse of the youth. Have you heard you saying that? Yeah. So kya karan hai Sonu ji jaise inhone kaha ki wo selective song karte hain. Actually kya hota hai mujhe industry mein aaye hue 27 saal ho gaye और मुझे फेमस हुए 26 साल हो गए और मुझे स्टेज पर गाते हुए 41 साल हो गए. मेरी उम्र 45 है और मैं 4 साल की उम्र से गा रहा हूँ स्टेज पे. तो एक पॉइंट के बाद में एक्चुअली मेरे रिटायरमेंट टाइम होना चाहिए फ्रैंकली. 40 इयर्स ऑफ वर्किंग हार्ड थ्रू आउट माई लाइफ इज़ अ प्रोफेशनल 41 ईयर्स इज़ अ लॉन्ग टाइम. उसके बाद में इंसान को काम करना चाहिए वहाँ जहाँ पे दिल मिलते हो, जहाँ आपको कुछ अच्छा करने का मौका भी मिल रहा हो और साथ ही साथ वो जो जर्नी है वो जर्नी भी तो इंजॉयबल होनी चाहिए ना. अगर हम गाने बना रहे हैं गाने गा रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं लेकिन हमारे साथ में जो घट रहा है वो बहुत बुरा घट रहा है. अगर वो जो घट रहा है वो बहुत बुरा घट रहा है तो फिर ठीक नहीं है फिर मेरे ख्याल से. इनकी बात से हम सहमत हैं क्योंकि रियलिटी यही है कि इवेंचुअली हर आदमी पैसा कमाता है और नाम कमाता है हैप्पीनेस के लिए. और अगर काम करते वक्त अगर खुशी ना हो आपस में अंडरकरंट कंपटीशन और एक अलग नेगेटिव फीलिंग हो तो इसलिए तो मुझे अच्छा लगता है कि यू नो. और एक्चुअली जब इंसान एक तरीके से कुछ महसूस करता है तो उसके आसपास वैसे ही लोग आ भी जाते हैं, अट्रैक्ट भी हो जाते हैं. तो ये भी वैसे सोच रहा हूँ इसलिए मैं आया. मैं भी सोच रहा था इसलिए मैं ये लोग मेरे पास में आए. सो इट्स अ गिव एंड टेक. नहीं और ये हमारे लिए एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि देखिए अब ये कह रहे हैं कि और इन्होंने फील किया कि शायद इसमें कोई अलग बात है लेकिन जितना इन्होंने गाने जितने गाए हैं और जिस वैरायटी के गाए हैं तो कुछ अलग तो कुछ हो ही नहीं सकता. मतलब ऐसा कोई नई चीज़ नहीं क्रिएट कर सकते जो इन्होंने नहीं गाई हुई है. बट ये है कि हमारी एक जो एक थोड़ी पंजाबी वाली जो एक वाइब है जो मस्ती वाली है
वो एक वाइब अलग है, वो वाइब मजा आता है मुझे। और हमारी अप्रोच यही है कि ऐसे ही हम एमबी म्यूजिक को इन्होंने इसलिए भी सपोर्ट करा बिकॉज इट्स अ वेरी जेन्युइन एफर्ट, इट इज एंड इट इज अ कंपनी व्हिच इज बाय द आर्टिस्ट फॉर द आर्टिस्ट। तो हम चाहते हैं कि हमारी एक सिंगर्स की कम्युनिटी है और अब इट्स हाई टाइम कि सब साथ में आके एक साथ कोलैबोरेशन करें। और ये सोनू जी की भी कंपनी है, ही सपोर्टिंग अस, ही कैन ओपन 10 कंपनीज लाइक दिस। बट आई एब्सोल्युटली रिस्पेक्ट आप लोगों की जो जो आप भी शिद्दत से लगे हुए इस चीज़ में भी, और मुझे बड़ी खुशी है। एंड एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू, ये तो बिगिनिंग है, भगवान ने चाहा तो आगे और भी। जी जी अरे जिंदगी हाँ, मैं ज़रूर, अभी तो पहला कदम रखा है हमने, आगे अभी तो उनके साथ में काम करें, फिर ये मेरे साथ काम करेंगे। अपने बिना इनको कुछ करने नहीं देंगे आप। मैं ज़रूर कहूँगा, पर इस समय अगर मैंने ये कुछ कहा तो आप वो रखेंगे, ये दिखाएंगे नहीं, इसलिए मैं बाद में दिखाऊँ, इस बारे में बाद में बात करूँगा। मैं ज़रूर इसके बारे में ज़रूर बात करूँगा, एंड आई प्रॉमिस यू मैं इस बारे में बात करूँगा, लेकिन आज नहीं करूँगा क्योंकि फिर आप ये काट देंगे, ये दिखाएंगे। ज़रूर ज़रूर हाँ, नवरात्रों के लिए जय माता दी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नवरात्रों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ, 9 दिन में एक्चुअली पता नहीं, क्योंकि मैं अभी रात को जा रहा हूँ, मेरे वाइफ के जो फादर हैं उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, तो मुझे आज रात को ट्रैवल करना है, तो अभी नवरात्रि कैसी बीतेंगे मुझे नहीं पता। आइए ज़रूर। Simple idea is to support each other and create great music, have independent music and support new. Here we have this video that you saw. I hope you guys liked it. The credit of the video obviously goes to the director, Vishnu Devaji is here. Arre sir, sarao na sir, please. ये जो हमारे कुछ कुछ फनी एक्सप्रेशंस जो थे वो इन्होंने जबरदस्ती करवाए थे। इफ यू डिडंट लाइक इट देन इट्स हिम, बट इफ इट्स लाइक देन गिव द क्रेडिट टू अस। बट व्हाट एन अमेजिंग पर्सन टू वर्क विद मनमीत, आई थिंक ही विल बी बेटर पर्सन टू एलैबोरेट। नो इज वी हैड अ ग्रेट टाइम, हम लोग जयपुर गए थे और कनिका के साथ हमारे पंजाबी गाने बड़े आए थे, हमने कहा थोड़ा राजस्थानी, क्योंकि बचपन में जब हम बचपन से दोस्त हैं तो इनको एक बार ये वो मोरनी बागा में गाते हुए सुन लिया था, तो वो तब से हमारे कान में था कि ये राजस्थानी इससे शुरू करना है, पर पंजाबी हमने शुरू कर दिया था तो वो तब से कान में था, तो वी थॉट एक राजस्थानी करते हैं, इसलिए थाड़े रेडियो बनाया हमने। और वी वेरी हैप्पी दैट वी फाइनली कम अप विद दिस बिकॉज हमने बहुत पहले शूट कर लिया था, बट टुडे वी आर आउट विद इट, सो आई एम श्योर कनिका वुड वांट टू से समथिंग टू। गुड इवनिंग एवरीबॉडी एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड आई एम थ्रिल्ड, मैं इतने दिनों से कह रही हूँ कि कब 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 आए दिन आ गया। सबसे पहले तो मैं आप दोनों को थैंक यू करती हूँ बिकॉज एक दिन ऐसे ही आई वॉज हमिंग इनके स्टूडियो में, मैं गा रही थी हो मारे हिवाने ने लग गई रे, सो दे लाइक ये कौन गा रहा है, सो एनीवे उसके बाद ये इन्होंने गाना बनाया एंड बहुत मज़ा आया ये शूट करके सर, ऐसा वीडियो माय गॉड, मुझे तो आपने इतना पतला दिखा दिया इसमें, ये हुआ कैसे? सारे वीडियोज अब आपको ही बनाने पड़ेंगे बिकॉज नोबडी इज मेड मी सो टॉल एंड स्लिम, आई मीन you know, thank you so much and everybody, the whole team over here who's helped us in making this happen, thank you so much and thank you Beat Bros for yet another blockbuster song. Thank you. यहाँ पे हमारे बहुत अच्छे से प्यारे प्यारे भाई आए हुए हैं, योगेश भाई thank you so much for joining us and everyone over here, all of you thank you so much for being here. And let's go up and party. बहुत गर्मी हो गई है, बहुत बातें हो गई हैं, boring सी. Let's get wild. Yeah. So. I just heard the song and you know, like always, this is a sure shot hit again. I know both the brothers for a very very long time. And पूरी दुनिया के लिए वो Meet Brothers हैं, पर मेरे लिए सचमुच भाई जैसे हैं. एंड आज उनकी सेलिब्रेशन का दिन है, वो अपने यू नो इस सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, सो आना तो बनता था एंड आई एम रियली ग्लैड दैट उन्होंने ये गाना यू नो आज यहाँ लॉन्च किया है बिकॉज लाइक आई सेड बिफोर इट्स अ श्योर शॉट हिट अगेन। अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो, बहुत साल पहले मैंने इनके लिए एक म्यूज़िक वीडियो किया था एंड फॉर सम क्रेजी रीजन्स एंड यू नो इश्यूज़ विद द म्यूज़िक कंपनी, वो रिलीज़ नहीं हुआ
तो ऑफ कोर्स मेरे लिए वो बहुत करीबी है, बट आई लव देम फॉर ऑल द म्यूजिक. भाइयों के लिए चुनना बहुत मुश्किल हो जाता है. थैंक्स. हाँ, यस. वेल, मीत भाई, मैं तो मीत भाई बुलाता हूँ क्योंकि मैं उनको बचपन से जानता हूँ जब मैं इतना सा था. वेल, इनके सॉन्ग्स ऑफ कोर्स आर आउट ऑफ द वर्ल्ड. दे आर आई थिंक जस्ट गिविंग हिट्स वन आफ्टर द अदर. वी जस्ट हर्ड द सॉन्ग, मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, बट आई थिंक इट इज़ अगेन एन अदर हिट दैट दे आर गिविंग. एंड ऑफ कोर्स विद कनिका द कॉम्बिनेशन इज़ ऑसम. सो आई जस्ट विश देम ऑल द बेस्ट एंड लाइक दिस दे जस्ट कीप रीचिंग न्यू हाइट्स एंड गॉड ब्लेस देम. इनके बहुत सारे नंबर्स हैं अभी. हम लोग काफ़ी टाइम हम लोग बैठ के, हाँ आई सी, वन ऑफ द फेवरेट आई थिंक बेबी डॉल, बिकॉज आई थिंक दैट गिव देम दैट काइंड ऑफ रिकग्निशन एंड सक्सेस जिसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़ के अभी तक नहीं देखा है. और काफ़ी हमारी जैमिंग सेशंस होते थे जब हम लोग बैठते हैं. सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू सम मोर ऑफ दोज एंड मेकिंग मोर मेमोरीज. I'm not watching Big Boss, to be very honest right now. कुछ भी मैंने कुछ नहीं देखा. I'm very very busy personally right now. thank you.